का रोजगार तो हो क्या गया, उसका जीवन यापन नहीं बढ़ेगा। किसान मजबूत जब होगा, जब किसान अपने बच्चे बच्चों को दिल्ली जयपुर या अच्छी स्कूल कॉलेज के अंदर अपने बच्चे बच्चों को दाखिला करा सके, प्राइवेट स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ा सके, वो स्थिति कब आएगी? वो उम्मीद आपसे इसलिए कि कांग्रेस ने शोषण किया और आप आए, आपको एक तरफा दोनों बार बहुमत दिया, पिछली बार तो आप एनडीए के सारे थे, लेकिन अब की बार अकेले 303 सीटें जनता पार्टी जीती है। और इस जीतने में एनडीए के पार्ट जो भी थे उनका बहुत बड़ा योगदान, राजस्थान में 25 सीट आई है, सीएम का बेटा हारा तो आरएलपी के बिना नहीं हारता। और आप चुनौतियां देते हो तो मैं तो इस्तीफा दे देता हूँ, आप भी 2-3-4 एमपी इस्तीफा दे दो, 216 हमारी वजह से बने थे, दो ही दिला दो, वापिस चुनाव करा तो पता लग जाएगा कौन सी लहर देश के अंदर चल रही, प्रदेश के अंदर चल रही। आप अब भी अपने परिवार को बिखरने से रोको, किसानों का भला करो, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस पे राहुल गांधी पे बार बार टिप्पणी करके आप उनको जिंदा मत करो, सात समंदर पार जाए नौ समंदर, आपको क्या करना कांग्रेस पार्टी से, लाल झंडे वाले करे तो अपने हिसाब से करे, एक आध जगह जहाँ लाल झंडे वालों की बात करे हो वहाँ तो आपका एमएलए जो कह रही मतलब उससे खुद ने कहा कि बिल किसान विरोधी है, जब आपके विधायक कह रहे हैं, आपके एमपी कह रहे हैं, एनडीए कह रहा है, तो आपको जिद छोड़नी चाहिए और किसानों की मांगे माननी चाहिए। मैं सारे किसान संगठनों को नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादातर किसान संगठन और ज्यादातर किसान नेता इस बात के लिए तैयार है कि रास्ता निकले, आंदोलन खत्म हो, अहिंसात्मक तरीके से जो आंदोलन चला है ये हिंसा का रूप नहीं है, ये भगवान की कृपा है मोदी जी पे और सब पे, हम सब पे, कि अभी तक हिंसा नहीं हुई, नहीं तो इतनी बड़ी मार्शल जातियां सड़कों में निकल जाए दिल्ली के चारों तरफ और कुछ भी नहीं हो, ये बहुत बड़ी बात है ईश्वर की कृपा है। तो प्रधानमंत्री जी आप मतलब इस मामले के अंदर संज्ञान लें, हमारी अपील सुने, अब लोकसभा का सत्र भी 29 तारीख से आ रहा है तो इसमें वापस कोई ना कोई रास्ता निकाल के, इनको सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है अभी अबेंस भी डाल दे, सस्पेंड कर दे बिलों को, जरूरत है आप खुद बयान दे दे कि अभी मैं बिलों को लागू नहीं करूंगा, एक बार मैं दिखवाऊंगा, तो आपके बयान से ही मैसेज चला जाएगा, ये बयान क्यों नहीं दे रहे हो आप? और जब आप कह रहे हो कि उसकी समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून हम ला रहे हैं, तो आप जब कानून ला रहे हो और ये तीनों बिल आप लाए तो कम से कम एनडीए के सहयोगी ऑल पार्टी मीटिंग में एक बैठक करके ये तो तय कर लेते, पूछ तो लेते लोगों को इसका मैसेज किया जाएगा, ये कितना बड़ा आंदोलन चला है, 40-41 दिन हो गए, बहुत एक से ज्यादा एवरेज मौत हो रही है इसमें, शहादत दे रहे हैं लोग, थक नहीं है, आपने सोचा होगा 5-7-10-15 दिन में थका जाएंगे और चले जाएंगे लोग, लेकिन थकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं है, ये किसान है, देश में आंदोलन होगा और जितने दिन आंदोलन होगा, जितने आप लोगों को परेशान करोगे उतना आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसकी भरपाई फिर कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, इस बात को भी संज्ञान में रखें। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के भड़काने से किसान नहीं भड़के, आम किसान सड़क पे, आम आदमी सड़क पे, और जब आपके खुद के कुनबे के लोग सड़कों पे, तो आप अंदाज लगा लो हम किसी भड़काने से नहीं भड़कते, हमने एनडीए छोड़ा जरूर है लेकिन यूपी और कांग्रेस का दामन नहीं थामा, हमारा झंडा अलग है, आंदोलन अलग तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शाहजहांपुर बॉर्डर पर कर रही और आगे भी आवश्यकता पड़ी तो लाखों लोग इकट्ठे होकर और दिल्ली की ओर कूच करें। तो ये थे हनुमान बेनीवाल, इनका कहना है कि केंद्र सरकार को कि किसानों की सुने, किसानों को मजबूत करे, अगर किसानों की नहीं सुने तो माफी।